बहेलिया जनजाति बारेवाला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया का दिल्ली रोड स्थित गांगन के नया गांव में भटकी समाज के लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ में आए विकास मंच के राष्ट्रीय महासचिव दलवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनवर चौधरी, पतराम सैनी विक्की चौधरी, जितेंद्र सिंह का भी बहेलिया समाज के लोगों ने मंच के माध्यम से स्वागत किया। नेम सिंह बहेलिया ने मंच के माध्यम से कहा कि समाज में लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर अब एकजुट नहीं हुए तो समाज के लोगों को राजनीतिक दल बहकाते रहेंगे। मंच से अपने भाषण में बोलते हुए नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि भारत के 70 साल आजादी के बाद भी हमारा समाज सड़क पर भटक रहा है और खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहा है। टूटी हुई झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भटकी समाज को आरक्षण के बारे में बताया। भटकी समाज के लोग SC में नहीं आते बल्कि ST में आते हैं। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे देश के नागरिक हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं जबकि भटकी समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने चाहिए। मंच से बोलते हुए बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार यह सब बातें नहीं मानती है तो बहेलिया समाज के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। भी हमारा जो समाज है और कई नामों से जाना जाता है, जैसे आपने सुना भी होगा कि हम लोग जो हैं SC में नहीं आते, हम लोग ST में आते हैं, लेकिन हमें जो केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार हमको जो AC में डाले हुए है, हमारा सरकार से और केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से ये कहना है कि हम लोगों को SC में ना डाल करके हमें ST में डालें, क्योंकि हमारी जो समाज के लोग हैं 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी हमारा समाज छोटी छोटी झुग्गियों में छोटे छोटे अपने तंबू संबू लगा करके जो रह रहा है, आर्थिक स्थिति से इतना डाउन है कि मैं अगर पीड़ा करूँ तो काफ़ी सीरियस मामला है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो आप भी जानते हैं कि हमारा समाज में पढ़ाई का जो मामला है वो जीरो पे है, और मैं समाज के बीच में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सभी जगह मिल रहा हूँ, और समाज के लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और समाज में शिक्षा बहुत होना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ में 100 में से अगर 1% लोग अगर जो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अगर कोई DM का बच्चा और उस DM के बच्चे के सामने जब हमारा बच्चा अगर इंटरव्यू देने जाता है, तो मेरा मानना यह है कि DM के बच्चे के सामने हमारे जो बच्चे हैं ST के, वो नंबर नहीं ला पाते, क्योंकि 1% सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं और 99% आज भी लोग रोडों पर भटक रहे हैं। मेरा मानना यह है कि उनको पूरा ST में डाल करके उनके जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए, और हमारे समाज के अंदर में जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, मैं नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए कि आपने कहा है अपने भाषणों में कि सबका साथ और सबका विकास, अगर देश, अगर विदेशों से अगर आपको अगर छुट्टी अगर मिल गई हो, तो भारत के अंदर में जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, आदिवासियों की ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमारा जो समाज है बहेलिया जनजाति विकास मंच, तो विकास मंच का कारण सिर्फ यही है कि समाज के अंदर में विकास होना चाहिए और सबका साथ और सबका विकास हो